नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। आज हम हाजिर हैं एक ऐसे सिंगर की कहानी लेकर जिनके गाने को सुनने के बाद आप तुरंत गूगल करते हैं, अरे भाई ये किसका गाना है। और तब जो नाम निकल कर आता है वो होता है शैलेंद्र सिंह का। जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, गोरी का दिल जोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। हमारे बहुत से दर्शक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शैलेंद्र सिंह के बारे में बताया जाए। ये एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने 70 और 80 के दशक में एक से एक हिट गाने दिए। कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ये एकदम सही है और हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन किस्मत जिस तरफ ले जाती है उसी तरफ जाना पड़ता है। शैलेंद्र जी एक्टर बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया हुआ था। संगीत की शिक्षा ये बचपन से ही ले रहे थे और हुआ भी यही, किस्मत ने इन्हें प्रसिद्धि दिलाई एक सिंगर के तौर पर। अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा है थे, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हाँ, आज के सिंगरों को बॉलीवुड में ब्रेक पाने के लिए संघर्ष का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। वहीं शैलेंद्र जी की कहानी इसके उलट थी। इन्हें पहली बार बड़ी आसानी से फिल्मों में ब्रेक मिल गया। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो आइए जानते हैं वो कहानी। बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक अदाकारों में शुमार किए जाने वाले ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी बन रही थी। राज कपूर अपने बेटे को नई आवाज के साथ लॉन्च करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि बॉबी में ऋषि कपूर के लिए कोई नया सिंगर लिया जाए। वो इंडस्ट्री में मौजूद पुराने गायकों को रिपीट नहीं करना चाहते थे। उस समय में एक स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे वीपी साठे। साठे और के अब्बास 50 के दशक में राज कपूर की फिल्में भी लिखते थे। साठे ने राज कपूर से एक नए लड़के की आवाज को टेस्ट करने के लिए कहा। राज कपूर तुरंत राजी हो गए। उन्होंने कहा बुलाओ उसे। और कुछ रोज बाद उनके पास FTII में एक्टिंग का कोर्स सीख रहा एक लड़का पहुंचा। ये वही लड़का था जिसका जिक्र बीपी साठे ने राज कपूर से किया था। उस लड़के से राज कपूर ने पूछा कि कैसे गाने पसंद करते हो। लड़के ने कहा गजलें पसंद हैं, लेकिन आप जो बताएं वही गाऊंगा। और वो लड़का कोई नहीं बल्कि शैलेंद्र सिंह थे। फिर शैलेंद्र सिंह ने राज कपूर के सामने गाना गाया। जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना, हमको वहाँ ना बुलाना, आखिरी सलाम लेते जाना। राज कपूर को उनकी आवाज बेहद पसंद आई। वो शैलेंद्र सिंह को लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के टेस्ट में पास होने के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को मिला अपनी तरह का अलहदा गायक, जो किसी भी पूर्ववर्ती बड़े गायकों की कॉपी नहीं करता था। नई मतलब बिल्कुल नई आवाज। और आया वो गाना जो अब भी जब बजता है तो लोग थम से जाते हैं। इनको साल 1974 का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। बॉबी फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए। झूठ बोले कौवा काटे जैसे गाने खूब चले। वो पहले ही गाने से इंडस्ट्री पर छा चुके थे। बॉबी फिल्म के बाद जैसे ऋषि कपूर लोगों के दिलों पर छाए हुए थे, ठीक वैसे ही उनकी आवाज बन चुके शैलेंद्र भी। हम
इसके बाद शैलेंद्र सिंह ने ऋषि कपूर के लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए। जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, चोरी का दिल चोरे धक बोले हल्ले हल्ले। शैलेंद्र सिंह ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि सबसे बुरा रोग होता है आईना। मुझे भी यह रोग लग गया था, मुझे लगा मैं हीरो बन सकता हूँ। वो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में थे जब उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में एप्लीकेशन दिया था, सेलेक्ट हो गए, बाकायदा एक्टिंग का प्रशिक्षण लिया। राजेंद्र कुमार और राज कपूर के साथ फिल्म भी की, फिल्म का नाम था दो जासूस। इसके अलावा भी कुछ और फिल्मों में इन्होंने काम किया, लेकिन इन्हें प्रसिद्धि मिली गायकी में। 1973 में आई बॉबी के बाद अगले कई सालों तक शैलेंद्र छाए रहे, लोग उनके गानों को खूब पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे संगीत का ट्रेंड बदला और शैलेंद्र को काम मिलना कम हो गया। बेहद टैलेंटेड गायक होने के बावजूद भी शैलेंद्र ऋषि कपूर की आवाज ही बनकर रह गए। उन्होंने और भी दूसरे कलाकारों के लिए आवाजें दी। लेकिन याद वो एक ही रूप में रहे, ऋषि कपूर की आवाज। काम कम मिलने के पीछे भी शैलेंद्र ने एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाया था। एक बार वो शुगर बढ़ने के लिए करीब एक हफ्ते तक एक अस्पताल में भर्ती रहे। इसके बाद वो भले चंगे होकर घर लौट आए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में यह बात फैला दी गई कि उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई और इस वजह से गाने के बिल्कुल काबिल नहीं रह गए। शैलेंद्र इस अफवाह को भी एक बड़ी वजह मानते हैं काम न मिलने के पीछे। अक्सर मेरा मन कहता था चुप कर कोई आता है हलचल मचाता है, अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम। आइए आपको बताते हैं एक दिलचस्प किस्सा जो इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। बॉबी फिल्म हिट होने के बाद शैलेंद्र एक प्रोग्राम में गए हुए थे। वहाँ बहुत सारे लोगों ने उनसे गाने की फरमाइश की। उन्होंने कहा यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आखिर मैं कैसे गा सकता हूँ। इसी प्रोग्राम में गायक मुकेश जी भी मौजूद थे। मुकेश जी ने ये बात सुनी तो कहा बेटा मेरी कार में हारमोनियम है। उन्होंने अपना हारमोनियम मंगाया। इसके बाद मुकेश जी ने हारमोनियम बजाया और शैलेंद्र ने गाना गाया। इसी नए गायक के लिए बेहद नसीब की ही बात हो सकती है कि उसके लिए उस समय के स्थापित गायक मुकेश ने खुद हारमोनियम बजाया। शैलेंद्र जी ने मात्र 19 साल की उम्र में बॉलीवुड म्यूजिक की दुनिया में अपना कदम रखा था और उस दौर के नामचीन फनकारों के साथ ड्यूट गए, जैसे लता, आशा, किशोर, महेंद्र कपूर आदि। शैलेंद्र ने उस दौर के महान संगीतकारों के सुर पर अपना स्वर साधा। शायद तुम मुझसे प्यार करती है लेकिन जमाने से डरती है, वरना मुस्कुराती क्यों, नजरें चुराती क्यों। आज शैलेंद्र 66 साल के हो चुके हैं। फिल्म बॉबी को आए तकरीबन 46 साल बीत चुके हैं। युवा पीढ़ी के बहुत से लोग शायद शैलेंद्र सिंह को पहचान भी ना पाए, लेकिन उनके गाए गाने आज भी उसी चाव से सुनते हैं जितना कि कोई 50 या 60 साल का आदमी। शैलेंद्र भले ही आज लाइमलाइट में ना हो, लेकिन उनके गाने हमेशा संगीत प्रेमियों के मन मस्तिष्क पर छाए रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। बॉलीवुड की और देश दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ ऐसी ही कहानियाँ शेयर करते रहेंगे। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।